नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और दिलचस्प किस्सा लेकर। यह किस्सा जुड़ा हुआ है हमारे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब रिश्ते से। यह किस्सा जुड़ा है रक्षाबंधन के त्योहार से, एक ऐसा त्योहार जिसका इंतजार हर बहन हर भाई करता है। परंतु आज की संकुचित मानसिकता और पश्चिमी प्रभाव के चलते हमारे इस रिश्ते में भी सेंध लग गई है, यानी इस रिश्ते में वो भावनाएं नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। उसी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस कहानी के बाद निश्चय ही आपके मन में थोड़ा सा बदलाव महसूस करेंगे, आपके उस संकुचित मन से शंका बाहर निकलेगी और आपके अंदर एक लहर उठेगी जो होगी एक प्रेम की लहर, भाई बहन के बीच के इस रिश्ते को मजबूत बनाने वाली लहर। तो आइए जानते हैं आज के समय में इस त्योहार से जुड़ी एक कहानी। ननंद ने अपनी भाभी को फोन किया और पूछा, भाभी मैंने राखी भेजी थी, मिल गई क्या आपको? भाभी, नहीं दीदी अभी तो नहीं मिली। ननंद, भाभी कल तक देख लो, अगर नहीं मिली तो मैं खुद आऊंगी राखी लेकर। अगले दिन भाभी ने खुद फोन किया, हां दीदी आपकी राखी मिल गई, बहुत अच्छी है, थैंक यू दीदी। ननंद ने फोन रखा और आंखों में आंसू लेकर सोचने लगी, लेकिन भाभी मैंने तो अभी राखी भेजी ही नहीं और आपको मिल भी गई। यह बहुत पुरानी कहानी है मगर अब कई जगह सच होने लगी है। दोस्तों, कृपया अपने पवित्र रिश्तों को सिमटने और फिर टूटने से बचाएं, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन के फूल हैं जिन्हें ईश्वर ने खुद हमारे लिए खिलाया है। रिश्ते काफी अनमोल होते हैं, इनकी रक्षा करें। बहन बेटी पर किए गए खर्च से हमेशा फायदा होता है। बहन हमसे चंद पैसे लेने नहीं बल्कि हमें बेशकीमती दुआएं देने आती हैं, हमारी बलाओं को टालने आती हैं, अपने भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नजरों से देखने चाहती हैं। मायका एक बेटी के लिए माया जाल की तरह होता है, वह मरते दम तक इस माया जाल से निकल नहीं पाती है, इसे भूल नहीं पाती है। बाबुल का घर और बचपन की यादें शायद ही कोई बेटी भुला पाती होगी। प्लीज कृपया एक बेटी को, एक बहन को, एक बुआ को, एक ननंद को उसके अधिकार से वंचित मत कीजिए, उसे प्रेम पूर्वक आमंत्रित कीजिए। आज ही फोन उठाइए और राखी के लिए इन्वाइट कीजिए कि दीदी टाइम पर आ जाइएगा, आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपके फोन का कमाल यह होगा कि दीदी अगले कुछ दिनों तक चिड़िया की तरह चहक उठेगी, बेसब्री से मायके आने के लिए सपने गूंदने लग जाएगी। यकीन नहीं है तो आप करके देखिए। एक फोन, आपके दिल से ननंद को बुलाने की तैयारी कीजिए, ईश्वर सब देखता है। एक फोन आपके पास भी आएगा आपके वजूद को महकाने के लिए, आपकी लबों पर मुस्कान लाने के लिए, आपको आपके बचपन में ले जाने के लिए, बाबुल के घर बुलाने के लिए। हाँ, बाबुल के घर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर करे आपके हर रिश्ते खूब फले फूले। बात दिल को लगी हो तो अपने हर दोस्त तक इसको शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा एक और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर। सावन महीने की शिवरात्रि और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह रक्षाबंधन आपके घर में वो सब खुशियां लेके आए जिनके आप सपने देखते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई और आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंतजार रहेगा मुझे आपकी कमेंट्स का। और एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।